अउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टार्टिंग विद द ग्रेट नेम ऑफ अल्लाह हु इज़ द मोस्ट मर्सीफुल एंड द मोस्ट बेनिफिसेंट। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। इन दिस सब्जेक्ट वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टीज मीन्स द फीचर ऑफ द सब्सटेंस दैट हाउ इट बिहेव्स आर नोन एज द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। प्रॉपर्टीज मीन्स कि हम स्टडी करेंगे कि हमारे पास मैटर किस तरह से बिहेव करता है। हमारे पास मैटर्स के दरमियान अगर उसके थ्री स्टेट हैं तो उनमें कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास कॉमन है, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में। लुक अराउंड एवरीथिंग फ्रॉम अवर बॉडी टू द एयर वी ब्रीथ इज मैटर। हर एक चीज़ हमारे इर्द गिर्द जो मौजूद होती है, इवन कि हम जो हवा सांस के जरिए से ले रहे हैं वो भी हमारे पास मैटर है। द फीचर ऑफ द सब्सटेंस दैट हाउ इट बिहेव्स आर कॉल्ड द प्रॉपर्टीज। देयरफॉर इट इज इम्पॉर्टेंट टू नो द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर। नोइंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड वट आइस क्यूब ब्रेन एंड स्टीम हैव इन कॉमन, वट इज द इम्पैक्ट ऑफ द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस इन द बॉडी, हाउ मैटर बिहेव्स व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड। क्वेश्चन लाइक दिस कैन बी आंसर्ड आफ्टर रीडिंग दिस चैप्टर। वी विल सी हाउ सॉलिड रिस्पॉन्ड टू द एक्सटर्नल फोर्सेज एंड हाउ फ्लूइड्स लिक्विड्स एंड गैसेज डिवेलप प्रेशर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच अ फिनोमिना एज बयोन्सी एंड द फ्लूइड फ्लो। हमारे पास इन तमाम प्रॉपर्टीज को स्टडी करने के बाद हम मैटर की प्रॉपर्टीज को अगर स्टडी करते हैं तो हमारे पास इन क्वेश्चंस के आंसर देना आसान होगा कि हमारे पास आइस क्यूब ब्रेन और स्टीम के दरमियान कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कॉमन है। अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस का इम्पैक्ट क्या है, हमारे पास फोर्सेस जब अप्लाइड होती हैं तो हमारे पास मैटर किस तरह से बिहेव करता है, ये सारा कुछ हम स्टडी करेंगे यूनिट नंबर 7 प्रॉपर्टीज ऑफ द मैटर में। फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द मैटर। काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द मैटर अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसमें हम ये वाली थ्योरी स्टडी करते हैं कि हमारे पास जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो हमें क्या बताती है। दैट मैटर कंसिस्ट ऑफ द स्मॉल पार्टिकल्स नोन एज द मॉलिक्यूल। हमारे पास मैटर जो होता है वो स्मॉल मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से बना होता है। दिस मॉलिक्यूल आर ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ द मोशन एंड दिस मॉलिक्यूल्स ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ द मैटर दिस मॉलिक्यूल्स आर इन द स्टेट ऑफ द मोशन ऑलवेज इन द स्टेट ऑफ द मोशन। देयर मोशन मे बी लीनियर स्ट्रेट लाइन वाइब्रेशनल टो एंड फ्रो एंड रोटेशनल अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट वाइब्रेशनल मोशन रोटेशनल मोशन सॉरी द मोशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। और जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं हमारे पास इन मॉलिक्यूल की मोशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, वो हमारे पास इंक्रीज होती है। देयर इज अ फोर्स ऑफ द अट्रैक्शन अमंग दिस मॉलिक्यूल्स। दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल्स आर ड्यू टू द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन देम। अगर हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल स्ट्रॉन्गर है तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और अगर वीकर है तो तब हमारे पास काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये हम स्टडी करेंगे इन काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी के स्टेप बाय स्टेप। हर एक मैटर के स्टेट को स्टडी करने के बाद द फोर्सेज अब डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। हमारे पास मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो फोर्सेज हैं वो हमारे पास किस चीज पे डिपेंड करते हैं कि दैट हाउ मॉलिक्यूल्स आर द फार अवे फ्रॉम ईच अदर। क्योंकि हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हमारे पास लूजली बाउंड होते हैं, हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स हैं तो वो हमारे पास टाइटली बाउंड होते हैं, और अगर हम गैस के मॉलिक्यूल्स की बात करें तो वो हमारे पास बहुत ही ज्यादा लूजली बाउंडेड होते हैं। तो हमारे पास फोर्स डिपेंड्स करता है किस चीज पे, द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स पर। और काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल हमारे पास किस वजह से होती है, द अट्रैक्टिव फोर्सेस बिटवीन देम। पेज नंबर 172 पर आप लोगों के पास काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ द मैटर जो गिवन है, इट इज वेल एस्टेब्लिश्ड बाय केमिकल एंड फिजिकल एविडेंस दैट मैटर इज कंपोज्ड ऑफ द मॉलिक्यूल। केमिकल एंड फिजिकल एविडेंस के साथ हमारे पास ये बात सामने आई है कि मैटर मॉलिक्यूल्स पर कंपोज होता है। मैटर के थ्री स्टेट्स हैं, मैटर हैज थ्री स्टेट्स सॉलिड लिक्विड एंड गैस। दिस थ्री स्टेट ऑफ द मैटर आर एक्सप्लेन्ड ऑन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी। इन द काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल इट इज अज्यूम्ड दैट, ये हमने कर लिया है, जान लिया है कि हमारे पास इस काइनेटिक थ्योरी के मुताबिक हमारे पास मैटर के थ्री स्टेट किन किन चीजों पर बेस अप होते हैं। सॉलिड आर मेडअप ऑफ द मॉलिक्यूल विच आर अरेंज क्लोजली इन फैक्स पैटर्न। मीन्स कि हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो हमारे पास क्या है, टाइटली बाउंड होते हैं।
इनमें फैक्स पैटर्न होता है हमारे पास, एक खास पैटर्न एक खास तरह से बनाया गया हुआ होता है उनको। मॉलिक्यूल्स ऑफ द सॉलिड इन सॉलिड वाइब्रेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। वाइब्रेट मीन्स टो एंड फ्रो मोशन कहते हैं इन मीन पोजीशन। मीन पोजीशन मीन्स कि उनकी फैक्स पोजीशन जो होती है अपनी ही जगह पर रहकर वो क्या कहते हैं, वो सिर्फ वाइब्रेट कर सकते हैं। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल आर स्ट्रांग, और मॉलिक्यूल के दरमियान जो अट्रैक्टिव फोर्सेज होती है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास स्ट्रांग है। हमारे पास मॉलिक्यूल ऑफ सॉलिड जो होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ट्रांसफर नहीं हो सकते, कैन नॉट ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द मॉलिक्यूल ऑफ द सॉलिड परफॉर्म्स वाइब्रेटरी मोशन ओनली, और ये सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन ही कर सकते हैं। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सॉलिड मॉलिक्यूल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, और जैसे ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा होगा तो उसके साथ साथ हमारे पास काइनेटिक एनर्जी भी उसकी ज्यादा होगी। नेक्स्ट हमारे पास है लिक्विड। लिक्विड आर आल्सो मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर क्लोज टूगेदर, वो भी क्लोज होते हैं लेकिन इनमें थोड़ी बहुत स्पेस होती है। द पैटर्न ऑफ द मॉलिक्यूल इज नॉट फिक्स एंड डज नॉट एक्सटेंड फार, इनका पैटर्न फिक्स नहीं होता, ये एक दूसरे से थोड़े से फासले पर होते हैं लेकिन ज्यादा फासला नहीं होता। द मॉलिक्यूल इन अ पैटर्न कीप चेंजिंग देयर पोजिशन, इतना डिस्टेंस होता है इनके कि वो अपनी पोजिशन को चेंज कर सकते हैं। द मॉलिक्यूल आर एबल टू मूव अबाउट विच मीन्स दैट लिक्विड इज एबल टू चेंज इट्स शेप एंड कैन अडॉप्ट द शेप ऑफ द कंटेनर। चूंकि हमारे पास फिक्स पैटर्न पर नहीं बने होते हैं, इसके मॉलिक्यूल थोड़े से लूजली बाउंड होते हैं, तो हमारे पास लिक्विड जो होता है वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, किसी भी कंटेनर की शेप को अडॉप्ट कर सकता है। द अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल ऑफ द लिक्विड इज लेस देन द सॉलिड। अब हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेज बिटवीन जो मॉलिक्यूल ऑफ लिक्विड है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास थोड़ी सी कम है एज कम्पेयर टू द सॉलिड। क्योंकि हमारे पास यहाँ पर है कि हमने पढ़ा था कि फोर्सेज जो होती हैं वो हमारे पास डिपेंड करती हैं द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल्स। तो हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेज कब ज्यादा होंगी, जब हमारे पास मॉलिक्यूल एक दूसरे के करीब होंगे। यहाँ पर हमारे पास मॉलिक्यूल थोड़े से एक दूसरे से फासले पर हैं तो इस वजह से हमारे पास अट्रैक्टिव फोर्सेस इनमें थोड़ी सी कम होंगी। लिक्विड पोजेसेस नो डिफिनेट शेप एंड कलर, द मॉलिक्यूल्स ऑफ द लिक्विड कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। द अट्रैक्टिव फोर्सेज अमॉन्ग द मॉलिक्यूल्स आर वीकर एज कम्पेयर टू द सॉलिड। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द लिक्विड मॉलिक्यूल डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर सच दैट द काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द टेम्परेचर। कि हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो हो मॉलिक्यूल्स की होगी वो हमारे पास क्या होगी, इंक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास वो वाली एनर्जी है जो हमारे पास रिलेट करती है टू द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास टेम्परेचर के इंक्रीज के साथ हमारे पास लिक्विड के मॉलिक्यूल्स की मोशन जो है वो इंक्रीज होगी, तो इट मीन्स कि उनकी काइनेटिक एनर्जी भी हमारे पास इंक्रीज होगी। क्योंकि जब हम लिक्विड को हीट अप करेंगे तो हमारे पास लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे पास नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हीट अप होने के साथ वो ट्रांसफर हो जाएंगे ऊपर, और हमारे पास ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो नीचे आ जाते हैं। क्योंकि वो हमारे पास लेस डेंस बन जाते हैं तो वो हल्के हो जाते हैं तो वो ऊपर चले जाते हैं, और जो भारी होते हैं वो हमारे पास नीचे आ जाते हैं। तो हमारे पास सर्कुलेशन करते करते वो हमारे पास क्या करते हैं कि वो हमारे पास आसानी से अपनी जगह को चेंज कर रहे हैं, और हमारे पास उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इंक्रीज हो रही है विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। नेक्स्ट हमारे पास है गैसेस। अ गैस इज मेड अप ऑफ द मॉलिक्यूल्स विच आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन, वो हमारे पास कांस्टेंटली रैंडम मोशन कर रहे होते हैं। क्यों हमारे पास कांस्टेंट रैंडम मोशन कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास सॉलिड के मॉलिक्यूल्स गैसेस के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड की निस्बत हमारे पास लूजली बाउंड होते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन द मॉलिक्यूल इज लार्ज एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल, इनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज्यादा होता है कि मॉलिक्यूल का साइज कम होता है और डिस्टेंस ज्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स आर कॉन्स्टेंटली कोलाइडिंग इलास्टिकली विद ईच अदर एंड विद द वॉल्स ऑफ द कंटेनर। इलास्टिकली मीन्स कि वो एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फिर वापस पीछे आगे पीछे चले जाते हैं, जिस तरह से बॉल्स एक दूसरे के साथ टकराती है ना, और फिर वो एक फ्रंट पे चला जाता है एक बैक पर चला जाता है, तो इसी तरह से ये इलास्टिकली एक दूसरे के साथ कोलाइड कर रहे होते हैं। कोलाइडिंग मीन्स ये एक दूसरे के साथ टकरा रहे होते हैं। एंड विद द वॉल्स ऑफ कंटेनर, क्योंकि ये लूजली बाउंड होते हैं और कंटेनर में अगर हम इसको डाल दें तो हमारे पास ये वॉल्स ऑफ कंटेनर के साथ भी टकराता रहेगा।
फोर्सेज बिटवीन द मॉलिक्यूल्स आर निग्लिजिबल एक्सेप्ट ड्यूरिंग द कोलिजन। इनके दरमियान डिस्टेंस ज़्यादा होता है तो इस वजह से इनकी फोर्सेस हमारे पास क्या होती है कि उसको हम निग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन कोलिजन के दौरान हमारे पास एक दूसरे के करीब आ जाते हैं तो वहाँ पर हमारे पास फोर्सेस जो होती हैं वो फिर मौजूद होती है, क्योंकि ड्यूरिंग कोलिजन द मॉलिक्यूल्स कम क्लोजर टू ईच अदर, तो इसी वजह से हमारे पास वहाँ पर फिर फोर्सेज को निग्लेक्ट नहीं किया जा सकता। बिकॉज लिक्विड एंड गैसेज डू नॉट मेंटेन एफेक्ट शेप, दे बोथ हैव द एबिलिटी टू फ्लो एंड दस दे आर सो रेफर्ड कलेक्टिवली एज फ्लूड। क्योंकि हमारे पास लिक्विड और गैसेज की कोई फिक्स शेप नहीं होती और इन दोनों में एबिलिटी है कि वो फ्लो कर सकते हैं, तो हमारे पास इनको कलेक्टिवली हम क्या कहते हैं, उनको फ्लूड कह सकते हैं। फ्लूड हमारे पास वो वाला मटेरियल होता है जो हमारे पास एबिलिटी होती है किसी भी ऑब्जेक्ट में कि वो फ्लो कर सकता है, तो हमारे पास उस वजह से इसको फ्लूड का नाम दिया गया है। देयर इज अ लार्ज डिस्टेंस अमंग द गैस मॉलिक्यूल, गैस के मॉलिक्यूल के दरमियान डिस्टेंस ज्यादा होता है। द मॉलिक्यूल्स आर नॉट बाउंडेड टू ईच अदर, द गैस मॉलिक्यूल कैन मूव फ्रीली, दे परफॉर्म रैंडम मोशन, दे हैव नो डेफिनेट शेप एंड कलर्स। The gas molecules can collide with each other and with the walls of container, exert pressure. The kinetic energy of the gas molecule is directly proportional to the temperature. The forces between the gas molecule are negligible except during the collision. कि हमारे पास kinetic energy directly proportional है to the temperature. हमारे पास गैस के मॉलिक्यूल का कोई फिक्स शेप नहीं होता, ना कोई फिक्स कलर होता, ना कोई कलर होता है उनका, वो आराम से फ्रीली मूव कर सकते हैं, रैंडमली मोशन करते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, वो एक दूसरे के साथ टाइटली बाउंड नहीं होते हैं। हमारे पास नेक्स्ट फोर्थ वन स्टेट जो हमारे पास मैटर की है वो हमारे पास कौन सी स्टेट है, वो हमारे पास प्लाज्मा स्टेट है। There is another state of the matter, the fourth state called the plasma. It consists of the free electrons and atoms which the electrons have been removed. हमारे पास ये किस चीज पर मुश्तमिल होता है प्लाज्मा, हमारे पास यूजुअली जो होता है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर होता है, मीन्स के इनके साथ कोई दूसरा हमारे पास बाउंडेड चीज मौजूद नहीं होती, कि हमारे पास आयंस फॉर्म में होता है ये, और वो वाले इलेक्ट्रॉन जिनको ऑलरेडी एटम जो होता है वो रिमूव कर चुका होता है। The plasma exists in the sun where the new thermonuclear reaction take place at very high temperature. जहां पर temperature हमारे पास बहुत ज्यादा high होता है plasma state हमारे पास वहीं पर exist करती है, क्योंकि हमारे पास वहां पर thermonuclear reactions हो रहे होते हैं तो इस वजह से हमारे पास plasma वहां पर exist करता है। लेकिन प्लाज्मा की एक और एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर आ जाएगी, अगर हम ले लें तो हमारे पास नियॉन साइंस आ सकता है। जस्ट लाइक द फ्लोरेसेंट लाइट, नियॉन साइंस आर ग्लास ट्यूब्स फिल्ड विद द गैस, व्हेन द लाइट इज टर्न्ड ऑन द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो थ्रू द ट्यूब। कि वहां पर भी अगर हम देख लें तो उसके अंदर उन्होंने नियॉन को फिलअप किया हुआ होता है, तो जैसे ही हम बल्ब को टर्न ऑन करते हैं तो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो फ्लो अप कर जाती है, तो टेम्परेचर हमारे पास वहां पर भी उस केस में बहुत ज्यादा होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर मुश्तमिल होता है ये। लाइक गैसेज दे हैव नो फिक्स शेप एंड वॉल्यूम एंड लेस डेंस देन द सॉलिड एंड लिक्विड। हमारे पास गैसेज की तरह इसका भी कोई फिक्स शेप नहीं होता और यूजुअली ये हमारे पास प्लाज्मा जो है वो एग्जिस्ट करता है इन द सन। नियॉन साइंस जो हमारे पास ट्यूबलाइट यूज होते हैं वहां पर भी हमारे पास यूज होता है, जो यूज होता है तो वो भी हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में आ सकता है। एक प्लाज्मा ह्यूमन ब्लड में मौजूद होता है, वहां पर भी हमारे पास टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि ह्यूमन बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमारे पास नॉर्मल जो टेम्परेचर है दैट इज 37 फारेनहाइट, तो हमारे पास वो हो सकता है वहां पर। तो ये था हमारे पास फोर स्टेट ऑफ द मैटर एंड दे आर डिस्कस्ड ड्यू टू अकॉर्डिंग टू द काइनेटिक मॉलिक्यूल थ्योरी ऑफ द मैटर, कि हमारे पास किस किस शेप में हमारे पास कौन कौन से मॉलिक्यूल मौजूद होते हैं, हमारे पास कौन से मॉलिक्यूल टाइटली बाउंड होते हैं, कौन से थोड़े से लूज बाउंड होते हैं और कौन से हमारे पास बिल्कुल लूजली बाउंड होते हैं, कौन से रैंडम मोशन करते हैं, कौन से वाइब्रेट करते हैं, कौन से हमारे पास जो है वो टू एंड फ्रो मोशन कर सकते हैं, कौन से हमारे पास जो है वो अपनी शेप को चेंज कर सकते हैं, कौन सी जो है हमारे पास एक फिक्स शेप में होते हैं उनका शेप जो है वो चेंज मुश्किल से ही होता है, और लास्ट वन हमने फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर पढ़ा कि हमारे पास जो फोर्थ स्टेट है दैट इज द प्लाज्मा स्टेट एंड कंसिस्ट ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स, के वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर कंसिस्ट होता है, इलेक्ट्रॉन्स फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर भी और वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जो इनको एटम ऑलरेडी रिमूव कर चुका होता है वो इलेक्ट्रॉन्स भी हमारे पास प्लाज्मा स्टेट में आ सकते हैं। सीखने और पढ़ने का अमल जारी रखिए, उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुकी होगी, और जानने और सीखने के लिए वीडियो को बार बार रिप्ले कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।